नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका के कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों और साथ ही कुछ और कंपनीज के प्रमुखों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है जो पूरी तरह से भारत में ही बनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से उसे मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यानी FDA ने भी अभी तक कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है, और इसी के चलते भारत में कई लोग वैक्सीन की दोनों डोजेज लेने के बावजूद भी विदेश दौरे पर नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने की इजाजत कैसे मिल गई, इसे लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च को दिल्ली में स्थित एम्स में जाकर अपनी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। वैक्सीन लगाने वाली जो नर्सेस थी, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन की डोज लगवाई है। इसके बाद अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री ने दूसरी डोज भी लगवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन लगवाई है उसकी मान्यता न होने के बावजूद उनके विदेश दौरे को लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मशहूर रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल के निर्माता निखिल अलवा ने ट्वीट कर पूछा है कि पीएम मोदी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम की तरह मैंने भी आत्मनिर्भर वैक्सीन लगवाई थी। ईरान और नेपाल और कुछ गिनती के देशों को छोड़कर मैं तो किसी और देश की यात्रा नहीं कर सकता। मैं ये सुनकर हैरान था कि प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं जहां कोवैक्सीन की मान्यता तक नहीं है, इसीलिए उन्होंने वास्तव में कौन सी वैक्सीन ली थी। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर विनय कुमार ढोकनिया ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने पूछा है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका कैसे गए। उन्होंने निखिल अलवा के ट्वीट में ही आगे ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री को अमेरिका जाने की अनुमति कैसे मिली, वह भी तब जब उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई है वो अमेरिका में मान्य ही नहीं है। कुछ और बड़े पत्रकारों ने भी इस बाबत ट्वीट किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने आखिर प्रधानमंत्री मोदी को कोवैक्सीन लगाए जाने के बावजूद अमेरिका आने की अनुमति कैसे दे दी। इस सवाल के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शैलेंद्र देवलांकर ने कहा कि वैक्सीन की ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है, दुनिया भर के तमाम देशों में ये एक समस्या है। अब हर देश के पास तो वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकती जिसे अमेरिका की मान्यता हासिल हो, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के लिए प्रावधानों में रियायत की जा सकती है। देवलांकर ने कहा कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले दौरे किए जाते हैं तो राजनयिकों को कुछ तरह की रियायतें दी जाती हैं, और इसी तरह की रियायत इस बार प्रधानमंत्री मोदी को भी मिली है। कई देशों में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत ने कहा, कोरोना संकट के समय हर किसी के लिए एक नया अनुभव है। राजनीतिक संवाद के लिए मेजबान देश नियमों में रियायत दे सकता है, ये संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए भी संभव है। आपको बता दें कि अपने इस दौरे पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें दुनिया भर के 193 देशों के राज्य प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका यात्रा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी आपको दे देते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि नवंबर महीने तक वो भारत समेत 33 देशों के लोगों को अमेरिका आने की इजाजत देगा जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए अमेरिका ने दूसरे देशों से लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि आपातकाल परिस्थिति में लोगों को वीजा दिया जा रहा था, वो अमेरिका जा पा रहे थे। मौजूदा स्थिति में विदेशों से अमेरिका आने वाले लोगों को 3 दिन के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इतना ही नहीं, 90 दिनों के भीतर कोरोना से ठीक होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना जरूरी होगा। अमेरिकी सरकार के मुताबिक वो हर यात्री को अलग अलग मामले के तौर पर देख रही है। अब सवाल ये है कि कोवैक्सीन को आखिर मान्यता कब मिलेगी। WHO के मुताबिक कोवैक्सीन बनाने वाले निर्माताओं ने इसे मान्यता देने के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ और जानकारियां उनको मिलनी बाकी हैं। ये सवाल जब WHO के चीफ साइंटिस्ट से जून में पूछा गया था तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था, भारत बायोटेक से बातचीत चल रही है, वैक्सीन की मान्यता के लिए तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे और वैक्सीन उत्पादन से जुड़ी जानकारियां जमा करानी होती हैं। जानकारों के मुताबिक WHO ने कोवैक्सीन के निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा है। आपातकालीन स्थिति में कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए WHO की एक बैठक अक्टूबर में होगी, ऐसा संभव है।
बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।